वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल राजभवन पहुंचे, राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए संजय जायसवाल इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए। सीधे प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, क्या वजह है, क्यों पहुंचे हैं संजय जायसवाल राजभवन? विकास, इस बार नीतीश कैबिनेट की अजब गजब कहानी है। आप देखें, पिछले जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं, मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, सब नीतीश कुमार के ही पास से जाता था, सबको फोन जाता था, वारंट के लिए राजभवन जाता था। यानी सुशील मोदी जब तक थे तब तक एक साथ सब कुछ चलता रहा, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें बीजेपी अलग से नाम भेज रही है और उसे लेकर के संजय जायसवाल जा रहे हैं। हमने बताया था कि 5 और नाम आने हैं, आज 14 मंत्रियों को शपथ लेना है, तो वो 5 नाम लेकर के, उसकी सूची लेकर के संजय जायसवाल ये राजभवन में पहुंचे हैं। आप समझ लीजिए क्या स्थिति हो गई है, मतलब सीधे खुल करके बोलने से लोग हिचक रहे हैं और साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ किस तरह से हो रहा है ये शुरुआत है। तो जो आरजेडी आरोप लगा रही है कि इस बार सुशील मोदी के कुमार कठपुतली मुख्यमंत्री होंगे, वो अब से शुरुआत हो चुकी है। नहीं, ये तो कहना गलत नहीं, गलत होगा कि कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। अगर ऐसा रहता तो फिर वो उन्होंने क्यों कह दिया था कि बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सामंजस्य था, जो दोनों की जोड़ी थी, उनके एक के कटने से क्या होता है, उसका फल, उसका प्रभाव आप उसकी झलक इन सब चीज़ों में देख सकते हैं कि कैसे सुशील मोदी थे तो दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी, समय समय पर आना जाना लगा रहता था, एक दूसरे से सलाह मशविरा करते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि बीजेपी अलग चल रही है, बीजेपी के हर कुछ फैसले जो है वो अलग से हो रहे हैं, कहीं से कोई नीतीश कुमार को किसी तरह से एक कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं हो रही है और ये साफ दिख रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो स्थिति पहले थी सुशील मोदी के साथ रहते हुए और अब उसका फर्क साफ साफ नजर आ रहा है, जमीन पर दिख रहा है।